नमस्कार, हॉरोस्कोप इंस्टा फीड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रजत शर्मा। इस प्रोग्राम में हम बात करते हैं आपके दैनिक राशिफल की, और आज भी करेंगे। हमारे साथ होंगे हमारे विषय विशेषज्ञ पंडित ज्योतिषाचार्य पंडित अशोक पराशर। अशोक पराशर जी का हार्दिक स्वागत। आइए जानते हैं आज यानी 18 नवंबर का दैनिक राशिफल पंडित जी से। आइए जानते हैं मेष राशि और उसका राशिफल। मित्रों, मेष राशि से द्वितीय भाव में चंद्रमा और गुरु की स्थिति अति उत्तम फल प्रदान करने वाला है। इसे गजकेसरी योग भी कहते हैं। अतः गजकेसरी योग का अभिप्राय यह हुआ कि आपके निकट संबंधियों से आपके संबंध मधुर बनेंगे, धन धान्य की उपलब्धता प्रचुर मात्रा में रहेगी। आज आप अपने वाणी से उत्तम फल प्राप्त कर सकते हैं। आपके लिए शुभ रंग है श्वेत, और आज के दिन दुर्गा की उपासना करनी चाहिए, इससे आपको लाभ मिलेगा। इसी श्रृंखला में अब हम वृषभ राशि और उसका राशि फल जानते हैं। वृषभ राशि के लिए आज का दिन अत्यंत ही शुभ फलदायी है, क्योंकि लग्न में ही गुरु और चंद्रमा की युति बन रही है। यह अद्वितीय योग है, इस योग का भरपूर लाभ उठाएं। जीवन आनंदित होगा, आंतरिक प्रसन्नता रहेगी, कुटुंबियों से सुख मिलेगा, समाज में मान और प्रतिष्ठा की अभिवृद्धि होगी, व्यापार में भी नूतन स्थिति बनेगी, कोई रुके हुए कार्य भी आपके होंगे। आपकी पत्रिका में सूर्य और बुध की युति भी उत्तम फलदायी है, तथा दशम भाव में स्थित शनि राज्य से लाभ देने में सक्षम है। आपके लिए शुभ रंग है नीला और श्वेत। साथ ही आप दुर्गा की उपासना कर सकते हैं तथा भगवान शिव की उपासना कर सकते हैं। मिथुन राशि और आपका राशि फल। मित्रों, मिथुन राशि में आज चंद्रमा द्वादश भाव में है, जो आपको तीर्थ यात्रा दिला सकता है। शुभ कार्यों में खर्च करने की प्रवृत्ति आपकी बढ़ेगी। नवम भाव में स्वराशि का शनि उत्तम फलदायी है, ये आपके भाग्य में प्रगति प्रदान करेगा। सप्तम भाव में धनु राशि का स्थित शुक्र पत्नी से सहयोग देगा, तथा सूर्य बुध की युति षष्ठम भाव में होने के कारण जो आपके पुराने दुश्मनी या प्रतिद्वंदिता के कोई कार्य हैं, प्रतियोगिता आदि में आपको सफलता मिलेगी। आपकी दुश्मनी आज समाप्त हो सकती है, निगोशिएशन से उत्तम फल मिलेगा। किंतु द्वितीय भाव में नीच का मंगल कुटुंबियों से संबंध खराब करने में सक्षम है, अतः वाणी का संतुलित प्रयोग करें। वाणी से ही आज आपका कुछ काम खराब हो सकता है, अन्यथा आपके लिए आज का दिन फलदायी है। आपको हरा वस्त्र धारण करना चाहिए तथा भगवान शिव और गणपति की उपासना करनी चाहिए। मित्रों, जानते हैं कर्क राशि और आपका राशि फल। कर्क राशि से एकादश भाव में स्थित गुरु और चंद्रमा अद्वितीय फलदायी योग बना रहा है, इससे आय के अनेक साधन उपलब्ध होंगे। राहु आपके पत्रिका में नवम भाव में है, अतः पिता से संबंधों को मधुर रखें। अन्य राहु किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ देने में समर्थ नहीं है। तीसरे भाव में केतु आपके पराक्रम को बढ़ाएगा, तथा सूर्य बुध की पंचम भाव में युति पुत्रों से संतान और संतति से आपको शुभ और लाभ की प्राप्ति कराएगा। यह आपके लिए उत्तम दिन है। आप श्वेत रक्त और पीत वस्त्र पहनकर आज लाभ प्राप्त कर सकते हैं। दुर्गा की उपासना करें। चंद्रमा के बीज मंत्र का ओम श्रांग श्रीं श्रों सह चंद्रमसे नमः, इस मंत्र का जप करने से भी आप उत्तम फल की प्राप्ति करेंगे। स्नान वाले पानी में दूध मिलाकर स्नान करना चाहिए। आइए जानते हैं सिंह राशि और आपका राशि फल। मित्रों, सिंह राशि से द्वितीय भाव में स्थित केतु आपको आज ENT की समस्या दे सकता है। ईयर, नोज और थ्रोट में कोई तकलीफ ना आए, इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए।
आपके अष्टम भाव में स्थित राहु दुर्घटना का योग भी बना सकता है, अतः वाहन आदि चलाने में अति सावधानी की आवश्यकता है। आपकी पत्रिका के दशम भाव में गुरु और चंद्रमा गोचर कर रहा है, अतः राजकीय सुखों की प्राप्ति होगी। आपके गुरु और चंद्रमा दशम में होकर चतुर्थ भाव को देख रहे हैं, अतः भूमि भवन और वाहन के सुख भी उपलब्ध होंगे। पंचम दृष्टि धन भाव पर पड़ रही है, अतः धन धान्य के मार्ग प्रशस्त होंगे। यह दिन आपके लिए उत्तम है, केवल वाहन चलाने में सावधानी अपेक्षित है तथा वाणी पर नियंत्रण आवश्यक है। आइए जानते हैं कन्या राशि और आपका राशिफल। मित्रों, कन्या राशि के लिए भी आज का दिन मिलाजुला किंतु उत्तम फलदायी है। कारण है कि आपकी पत्रिका के नवम भाव में गुरु और चंद्रमा नवम भाव में स्थित होकर आपको भाग्यशाली बना रहा है। साथ ही मित्रों से, भाइयों से, बंधुओं से लाभ की संभावना बना रहा है। पंचम भाव में गुरु की दृष्टि पूर्व पुण्यों को जागृत कर रहा है तथा संतान के पक्ष से भी आपको उत्तम फल प्रदान करने में सक्षम है। आपके तीसरे भाव में सूर्य और बुध की युति भी अत्यंत शुभ फलदायी है, अतः बंधु बांधों तथा भाई आदि से लाभ की प्राप्ति होगी। भगवान गणपति की उपासना करने से शुभ और लाभ की प्राप्ति करेंगे। साथ ही गणपति को दूर्वा घास अर्पित करना चाहिए। गणपति का बीज मंत्र ओम गं गणपतये नमः मंत्र जप करने से आपको शुभ की प्राप्ति होगी। आइए जानते हैं तुला राशि और आपका राशिफल। मित्रों, तुला राशि से द्वितीय भाव में आज बुध आदित्य योग का निर्माण हो रहा है। ससुराल से लाभ की प्राप्ति हो सकती है। आपकी वाणी ओजस्वी और प्रभावशाली रहेगी। वाणी के प्रभाव से आप धन धान्य अर्जित कर सकते हैं। आज आपका दिन धन धान्य के लिए उत्तम है। आपके तृतीय भाव में स्थित शुक्र उत्तम फलदायी है, पराक्रम में वृद्धि होगी तथा पंचम भाव में स्थित कुंभ राशि का शनि संतान पक्ष में भी प्रगति देने में सक्षम है। षष्ठम भाव में मीन राशिस्थ राहु शत्रु को पराजित करने में सक्षम है तथा अष्टम भाव का चंद्रमा और गुरु जो गजकेसरी योग बना रहा है, यह आपको अचानक लाभ भी प्रदान करने में सक्षम है। दशम भाव में यद्यपि नीच का मंगल है, तथापि यह योग कारक होने के कारण अथवा दिग्बली होने के कारण शुभ प्रभाव ही प्रदान करेगा, अतः कर्म क्षेत्र में आपकी वृद्धि होगी। आपको श्री हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए, सूर्य भगवान को जल देना चाहिए तथा शनि के लिए चींटियों को शक्कर डालना चाहिए। मित्रों, आपके लिए ब्लू और ब्लैक कलर शुभ फलदायी है। आइए जानते हैं वृश्चिक राशि और आपका राशिफल। वृश्चिक राशि में स्थित सूर्य और बुध उत्तम फलदायी है। यह आपके मान सम्मान में अभिवृद्धि करेगा। आपकी आत्मशक्ति आज बढ़ेगी। द्वितीय भाव में स्थित शुक्र उत्तम फल प्रदान करेगा। यह धन धान्य तथा कुटुंबियों से भी आपको लाभ प्राप्त कराएगा। सप्तम भाव में गोचर का गुरु और चंद्रमा पत्नी के साथ साझेदार के साथ आपको शुभ फल प्रदान करने में सक्षम है। पत्नी और साझेदारों से आज की तारीख में आपको अत्यंत शुभ फल की प्राप्ति होगी। नवम भाव में स्थित मंगल जो द्वादश भाव को देख रहा है, अतः आज आपको वाहन आदि चलाने में सावधानी बरतनी चाहिए। आपको श्री हनुमान जी को सिंदूर चोला टाप चढ़ाकर श्री हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। इससे आप उत्तम फल की प्राप्ति करेंगे। आइए जानते हैं धनु राशि और आपका राशिफल। धनु राशि में स्थित लग्नस्थ शुक्र अत्यंत ही शुभ फलप्रदायक है। यह आय के विभिन्न सत्वों को पुनः जागृत करेगा, पुनः संचालित कराएगा और आय के नूतन साधन बनेंगे। तृतीय भाव में स्थित कुंभ राशि का शनि अत्यंत ही शुभ फलदायी है। यह आपके पराक्रम में वृद्धि करेगा। षष्ठम भाव में स्थित गुरु और चंद्रमा
आपको रोग ग्रस्त कर सकता है, अतः स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। खास करके अष्टम भाव में नीच का मंगल होने के कारण वायु विकार अथवा पेट में तकलीफ दे सकता है। भगवान सूर्य की उपासना करना चाहिए तथा पीत वस्त्र धारण करना चाहिए। स्नान वाले पानी में हल्दी मिलाकर स्नान करने से आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी। आइए जानते हैं मकर राशि और आपका राशि फल। मित्रों, मकर राशि वालों के लिए आज शनि द्वितीय भाव में कुंभ राशि पर गोचर कर रहा है। यह शुभ फलदायी है, धन धान्य के क्षेत्र में वृद्धि देगा। तृतीय भाव में राहु की स्थिति पराक्रम वान बनाएगा तथा पंचम भाव में गुरु और चंद्रमा खासकर विद्यार्थियों के लिए उत्तम फलदायी है। यह अध्ययन के कार्य में, अध्यापन के कार्य में उच्च शिखर पर ले जाने में सक्षम है। सप्तम भाव में स्थित चंद्रमा जो नीच का है, यह सप्तम भाव में स्थित नीच का मंगल पत्नी के स्वास्थ्य को खराब कर सकता है और पत्नी से विवाद उत्पन्न करा सकता है, अतः पत्नी से मधुर संबंध रखना चाहिए। एकादश भाव में स्थित सूर्य और बुध का आदित्य योग उत्तम फल प्रदान करने वाला है। आज आपको गुप्त धन की प्राप्ति हो सकती है। लॉटरी, सत्ता आदि से भी आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आपके लिए शुभ वस्त्र है श्वेत और हरा। आपके लिए भगवान विष्णु की उपासना आज के दिन फलदायी है। सूर्य भगवान की भी उपासना करनी चाहिए तथा सूर्य भगवान को जल देने से लाभ की प्राप्ति होगी। आइए जानते हैं कुंभ राशि और आपका राशि फल। मित्रों, कुंभ राशि में स्थित लग्नस्थ शनि चतुर्दिक लाभ की प्राप्ति कराएगा। धन, अर्थ, काम, मोक्ष और धर्म सभी की प्राप्ति होगी। द्वितीय भाव में स्थित राहु वाणी को अनियंत्रित करेगा, अतः वाणी पर नियंत्रण आवश्यक है। चतुर्थ भाव में स्थित गुरु और चंद्रमा धन प्रदान करेगा, भूमि भवन और वाहन का सुख देगा। षष्ठम भाव में स्थित मंगल शत्रुओं से आपको परेशानी हो सकती है, अतः शत्रु पक्ष के प्रति सावधान रहें। दशम भाव में स्थित सूर्य और बुध राजकीय कार्यों में सफलता प्रदान करेगा, नौकरी या व्यवसाय में रुके हुए कार्य आपके बनेंगे। आइए जानते हैं मीन राशि और आपका राशि फल। मीन राशि में द्वादश भाव में स्थित शनि लग्न में स्थित राहु उत्तम फल प्रदान नहीं करेगा। मानसिक रूप से आप थोड़ी विकृति महसूस करेंगे, मानसिक चिंताएं आज बढ़ेंगी। पंचम भाव में स्थित मंगल भी शुभ फलदायी नहीं है, किंतु नवमेश होने के कारण कुछ कार्य आपके सिद्ध होंगे तथा नवम भाव में सूर्य और बुध की स्थिति भाग्य को प्रबल कर रहा है, अतः आज का दिन आपके लिए मिला जुला फलदायी है। आपको पीत वस्त्र धारण करना चाहिए, भगवान विष्णु और लक्ष्मी की आराधना करनी चाहिए तथा स्नान वाले पानी में हल्दी मिलाकर स्नान करना चाहिए तथा किसी मंदिर में पका हुआ केला जरूर दान करें। इससे आपको अत्यंत शुभ फल की प्राप्ति होगी और पत्रिका में स्थित कुयोग टल जाएंगे। नमस्कार। तो ये था आज का राशिफल। क्या आप समझ रहे हैं अपने राशिफल को लेकर? कोई चिंता भाव आ रहा है? कुछ समस्याओं के समाधान भी आपको जरूर मिले होंगे। जो भी आप टिप्पणी हमारे कार्यक्रम के बारे में करना चाहते हैं जरूर करें। अगर कोई समस्या है, समाधान चाहते हैं, उपाय चाहते हैं तो जरूर लिख भेजें, वरना फ्लैश चल रहे हमारे नंबर पर जो कि पंडित जी का नंबर है, सीधे बात कर सकते हैं ज्योतिषाचार्य पंडित अशोक पराशर जी से। आज का कार्यक्रम यहीं संपन्न करने की चाहूंगा अनुमति। नमस्कार।